Sony TV brings to you yet another super duper new promo of Amitabh Bachchan hosted quiz reality show Kaun Banega Crorepati. Well viewers, इस latest promo में हमने देखा था the शहंशाह of Bollywood अमिताभ बच्चन को थोड़े शांत और थोड़े comedy अवतार में. सुनने में ही इतना interesting लग रहा है. तो we are sure के Big B के दो emotions शांत और comedy देखने में उससे भी ज्यादा interesting होगा. हम आपको बता दें कि बिग बी ने बड़े ही शांत वे से सुनी दोनों मेल कंटेस्टेंट्स की इंटरेस्टिंग येट चैलेंजिंग स्टोरीज. वीडियो में बिग बी का हैंडसम अवतार एंड उनकी मल्टी कलर टाई कर देगी आप सभी को इंस्पायर टू डॉन दैट काइंड ऑफ लुक. तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस प्रोमो की एक झलक. अमेरिका गया, इसी साल गया हूँ मेरे लिए और ये एक सपना साकार होने जैसा है. कंपनी ने ही मुझे स्पॉन्सर किया था. मेरे वहाँ पे जैसे हम यहाँ 70 लोगों की टीम है, वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट की 70 लोगों की टीम है, उसमें 68 महिलाएं हैं और उनकी एज सर 70-75 और वो इतना खुश हैं सर जब वो डांस करते हैं, जब वो पार्टी करते हैं. हमारे यहाँ तो महिलाओं को पहले ही महत्वहीन कर दो और गलती से उनकी एज अगर 50 हो गई तो उनको तो बाहर खटिया पे बिठा के राम राम करवाना है हमें और कुछ करवाना ही नहीं है. हम जो है 80 साल की जब लेडी साथ डांस करती है सर, वो मुझे लग रहा था हम कितने जल्दी अपनी आधी आबादी को बिल्कुल महत्वहीन कर देते हैं. माँ जब तक है तब तक वो माँ है, दादी बनी अब तो उसका तो ख़त्म ही है उसका हिसाब किताब. माँ तक तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है. तो ये महिलाओं को हम बहुत जल्दी महत्वहीन कर देते हैं. मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप 40 साल 50 साल के हैं तो अभी तो आपने जीना शुरू किया है. महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, पूरी लाइफ जिए. मैं देख के आया हूँ वो लोग कैसे जी रहे हैं. प्लीज अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जिए, जो मन है वो कीजिए. क्या बात है. मैं लिखता हूँ तो जी जी. अगर आप सर अनुमति दे बिल्कुल, दो बिल्कुल, कहिए. बेटी तुम बड़ी मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना. कुछ सवाल उठाए जाएंगे, कुछ परंपराएं दिखाई जाएंगी. तुम्हारी खुशी के बदले तुम देवी बना दी जाएगी. इनकी झूठी दिलासों में अपनी हंसी मत खोना, बेटी तुम बड़ी मत होना. क्या बात है, वाह वाह, क्या बात. आपके परिवार के जितने जन हैं वो सब आर्मी में रहे हैं? मेरे सभी रिलेटिव, मेरी सभी पूरी फैमिली में सब आर्मी में ही है सर, मुझे छोड़ के सर. तो आप कैसे नहीं गए आर्मी में? सर घर वालों का व्यू भी था, कुछ हमारा भी व्यू था कि सबसे थोड़ा डिफरेंट व्यू करना चाहिए. अच्छा. तो जब दोनों में सिलेक्शन हुआ तो हमने सर यूपी पुलिस को सर ज़्यादा प्रेफरेंस दी. अच्छा, दोनों में सिलेक्शन हो गया था सर. सर सर इसका एक उदाहरण दूं, जैसे घर पे अगर आप साफ सफाई करते हो तो आप बाहर के जैसे बाहर झाड़ू लगाना और अपने घर की किचन सिंक को साफ करना, ये दो उदाहरण हैं. हाँ. जैसे एक सैनिक है वो देश के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और एक पुलिसकर्मी है वो समाज की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है सर. हाँ, ये तो सही बात है. है ना एक दिलचस्प चैट. डू लेट अस नो योर व्यूज ऑन द सेम. तब तक स्टे ग्रिप विद अस फॉर न्यूज एंड गॉसिप्स.